नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल सक्सेस गुरु मंत्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हमेशा की तरह सबसे पहले मेरे व्यूवर्स को, सब्सक्राइबर्स को, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। मोहिनी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इला शुक्ला जी, रणवीर कुमार जी, ज्योति जी, पूजा जी, आप सभी का, शैलेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीयम शर्मा जी ने मुझसे कहा था कि मैं कविता क्या है निबंध पे एक वीडियो बना दूं, तो उन्हीं के कहने से आज मैं ये वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर हुई। पहले मैं सोच रही थी कि इसमें कुछ मुख्य बातें ही आपके सामने रखूं, फिर मुझे लगा कि अभी लॉकडाउन चल रहा है, आप सभी के पास पर्याप्त समय भी है, और अगर हम इस कविता को पूरा पढ़ेंगे तो शायद हमें ज़्यादा समझ आएगा और अच्छे से तैयार होगा। आपको कैसा लगा है कमेंट में बताइएगा ज़रूर। चलिए शुरू करते हैं। कविता क्या है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का यह एक विचारात्मक निबंध है। यह निबंध मासिक पत्रिका सरस्वती के अप्रैल 1909 के अंक में प्रकाशित हुआ था। याद रखिएगा, चाहिए तो नोट्स पे लिखते जाइएगा, यह निबंध सरस्वती पत्रिका के अप्रैल 1909 के अंक में प्रकाशित हुआ था। चलिए निबंध शुरू करते हैं। कविता से मनुष्य भाव की रक्षा होती है। कविता से मनुष्यों के भाव की रक्षा होती है ना। सृष्टि के पदार्थ या व्यापार विशेष को कविता इस तरह व्यक्त करती है मानो वे पदार्थ या व्यापार विशेष नेत्रों के सामने नाचने लगते हैं। मतलब कविता द्वारा ही मनुष्य के जितने भाव होते हैं उनकी रक्षा होती है। कविता द्वारा ही मनुष्य अपने भावों को व्यक्त करता है। इस संसार में जितने भी पदार्थ हैं, जितने भी व्यापार हैं, उनको कविता के माध्यम से ही इस तरह से व्यक्त किया जाता है कि वो समस्त व्यापार, वो समस्त पदार्थ हमारे नेत्रों के समक्ष एकदम साक्षात उपस्थित होते प्रतीत होते हैं। वे मूर्तिमान दिखाई देने लगते हैं, जैसे कि वो प्रत्यक्ष हमारे नेत्रों के सामने हैं। उनकी उत्तमता या अनुत्तमता का विवेचना करने में बुद्धि से काम लेने की जरूरत नहीं पड़ती। जब हम किसी भी पदार्थ या व्यापार विशेष को कविता के माध्यम से व्यक्त करते हैं तो उसकी जो उत्तमता होती है, उपयुक्तता होती है या अनुपयुक्तता होती है, उसका विवेचन करने के लिए हमें ज़्यादा बुद्धि का काम भी नहीं लेना पड़ता। कविता की प्रेरणा से मनोवेगों के प्रवाह जोर से बहने लगते हैं। आप तो ये तो आप जानते ही हैं कि हर मनुष्य में हर मनोवेग मौजूद होते हैं। जब कविता की प्रेरणा मिलती है तो वो मनोवेगों का प्रवाह जो होता है वो तीव्र हो जाता है, वो मनोवेग और भी तीव्र गति से प्रवाहित होने लगते हैं। तात्पर्य यह है कि कविता मनोवेगों को उत्तेजित करने का एक उत्तम साधन है। आप भी समझते होंगे, सभी लोग, एक उदाहरण मैं दूंगी, सभी लोग अपनी माँ से प्रेम करते हैं, लेकिन जब भी किसी इस तरह की कविता को हम पढ़ते हैं, है ना, किसी माँ से जुड़ी, माँ की ममता से जुड़ी जब भी कविता हम पढ़ते हैं तो और भी ज़्यादा वो वेग, वो मनोवेग हमारे सामने उपस्थित होने लगते हैं, बाहर निकलने लगते हैं। यदि क्रोध, करुणा, दया, प्रेम आदि मनोभाव मनुष्य के अंतःकरण से निकल जाएं तो वह कुछ भी नहीं कर सकता। मनुष्य की विशेषता यही है कि उसमें क्रोध, करुणा, दया, प्रेम आदि मनोभाव मौजूद हैं, और यदि ये मनुष्य के उससे निकल जाएं तो मनुष्य कुछ भी नहीं कर सकता। कविता हमारे मनोभावों को उच्छ्वासित करके हमारे जीवन में एक नया जीव डाल देता है। जो कविता होती है वो हमारे इन मनोभावों को और ज़्यादा उच्छ्वासित करके हमारे अंदर एक नया जीव डाल देती है। हम सृष्टि के सौंदर्य को देखकर मोहित होने लगते हैं। किसी अच्छी सी जगह पे आप जाइए, बहुत अच्छा, जहाँ मनोरम जो वातावरण हो वहाँ का हो, और यदि वहाँ पर आप वैसी कविता भी सुनते हैं तो कहीं ना कहीं आप और ज़्यादा मोहित होते हैं, है ना। कोई अनुचित या निष्ठुर काम हमें असह्य होने लगता है। हमें जान पड़ता है कि हमारा जीवन कई गुना अधिक होकर समस्त संसार में व्याप्त हो गया। मतलब कविता हमारे सभी मनोभावों को बढ़ा देती है और
हमें ये महसूस होने लगता है कि जो हमारा जीवन है वो समस्त विश्व में व्याप्त हो रहा है। कविता क्या है? जब कवि भावनाओं की प्रसव से गुजरते हैं तो कविताएं स्फुटित होती हैं। कार्य में प्रवृत्ति, कविता की प्रेरणा से कार्य में प्रवृत्ति बढ़ जाती है। केवल विवेचना के बल पर हम किसी कार्य में बहुत कम प्रवृत्त होते हैं। केवल इस बात को हम जानकर ही हम किसी काम के करने में या ना करने में प्रायः तैयार नहीं होते हैं कि वह काम अच्छा है या बुरा, लाभदायक है या हानिकारक, है ना। सिर्फ हम इस बात को जान लें कि ये काम अच्छा है या बुरा है, लाभदायक है या हानिकारक है, सिर्फ इतना जानकर हम काम की तरफ प्रवृत्त नहीं होते हैं। कविता से काम के प्रवृत्ति की प्रेरणा अधिक बढ़ जाती है। जब उसकी या उसके परिणाम की कोई ऐसी बात हमारे सामने उपस्थित हो जाती है जो हमें आघात, क्रोध और करुणा आदि से विचलित कर देती है, तभी हम उस काम को करने या ना करने के लिए प्रस्तुत होते हैं। मतलब सहसा ही अगर कोई इस तरह से आपसे सिर्फ बोल दे कि काम अच्छा है कर लो या नहीं अच्छा है मत करो, तो हम जल्दी से उस काम के तरफ प्रवृत्त नहीं होंगे। वहीं अगर हमें कोई आघात, क्रोध या करुणा विचलित कर दे तो हम जल्द ही उस काम को करने या ना करने के लिए उपस्थित हो जाते हैं। केवल बुद्धि हमें काम करने के लिए उत्तेजित नहीं करती, काम करने के लिए मन ही हमको उत्साहित करता है। रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि केवल बुद्धि से हम कोई काम नहीं करते, जब हमारा मन हमें उत्साहित करता है तभी हम किसी काम को करने के लिए प्रवृत्त होते हैं। और मन कैसे उत्साहित करता है? मनोवेगों द्वारा। जब हमारे मनोवेग उत्साहित होते हैं, है ना, प्रवृत्ति के लिए मन में वेग का आना आवश्यक है। मतलब अगर हमें किसी कार्य में प्रवृत्त होना है तो मन में वेगों का होना, मनोवेगों का होना बहुत आवश्यक है। यदि किसी से कहा जाए कि अमुक देश तुम्हारा शोषक है ना, इतना रुपया प्रतिवर्ष उठा ले जाता है, इसी से तुम्हारे यहाँ अकाल और दरिद्रता बनी रहती है, तो संभव है कि उस पर कुछ प्रभाव ना पड़े। बता दिया इंसान ने, सुन लिया। पर यदि दरिद्र और अकाल का भीषण दृश्य दिखाया जाए, पेट की ज्वाला से जले हुए प्राणियों के अस्थि पंजर सामने पेश किए जाएं और भूख से तड़पते हुए किसी बालक के पास बैठी माता का आत्ता स्वर सुनाया जाए, तो वह मनुष्य क्रोध और करुणा से विह्वल हो उठेगा। और इन बातों को दूर करने का यदि उपाय नहीं तो संकल्प अवश्य करेगा, है ना। यदि ऐसे ही किसी से बता दिया जाए कि ये देश आपका दुश्मन है या शोषक है, तो उस पर इतना प्रभाव नहीं पड़ता है, परंतु उसने जो शोषण किया है, उसकी वजह से हानि हुई है, उसके दृश्य जब किसी मनुष्य के सामने प्रस्तुत किए जाते हैं, तब उसके मनोवेग अधिक तीव्रता से उद्वेलित हो उठते हैं। और वह यदि उपाय नहीं कर सकता तो संकल्प जरूर करता है। पहले इस बात का कहना राजनीतिज्ञ का काम है और पिछले प्रकार का दृश्य दिखाना कवि का कर्तव्य है। यहाँ अंतर समझिए कि बात का कहना राजनीतिज्ञ का काम है और दृश्य का उपस्थित करना कवि का कर्तव्य है। ये लाइन इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। मानव हृदय पर दोनों में से किसका अधिकार अधिक हो सकता है, ये बताने की आवश्यकता नहीं है। मनोरंजन और स्वभाव संशोधन,
कविता के द्वारा हम संसार के सुख दुख आनंद क्लेश आदि यथार्थ के रूप में अनुभव करते हैं। ऐसे तो इन शब्दों को यदि हमें बता दिया जाएगा तो शब्दों से हम कभी इनको अनुभव नहीं कर सकते हैं, लेकिन कविता के द्वारा संसार के सुख दुख आनंद क्लेश को हम यथार्थ रूप में अनुभव कर सकते हैं। अगर किसी ओजपूर्ण हम कविता सुन लेते हैं तो हमारे अंदर अपने आप से एक ओज जागृत होने लगता है, एक उत्साह से हम भर जाते हैं। किसी लोभी और कंजूस दुकानदार को देखिए, जिसने लोभ के वशीभूत होकर क्रोध दया भक्ति आत्मस्वाभिमान आदि मनोविकारों को दबा दिया है और संसार के सब सुखों से मोड़ दिया है। अथवा किसी महाक्रूर राज कर्मचारी के पास जाइए, जिसका हृदय पत्थर के समान जड़ और कठोर हो गया है, जिसे दूसरों के दुख और क्लेश का अनुभव स्वप्न में भी नहीं होता। ऐसा करने से आपके मन में यह प्रश्न अवश्य उठेगा कि क्या इसकी भी कोई दवा है। ऐसे हृदयों को द्रवीभूत करके उन्हें अपने स्वाभाविक धर्म में लाने का सामर्थ्य काव्य में है। इनको सही करने का, इनके मनोभावों को जगाने का जो सामर्थ्य है, रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं, उसकी कोई और दवा नहीं है, ये सामर्थ्य मात्र काव्य में है। कविता ही उस दुकानदार की प्रवृत्ति भौतिक और आध्यात्मिक सृष्टि के सौंदर्य की ओर ले जाएगी। कविता ही उसका ध्यान औरों की आवश्यकता की ओर आकर्षित करेगी और उसकी पूर्ति करने की इच्छा उत्पन्न करेगी। कविता ही उसे उचित अवसर पर क्रोध दया भक्ति आत्मस्वाभिमान आदि सिखावेगी और इसी प्रकार उस कर्मचारी के सामने कविता ही उसके कार्यों को प्रतिबिंब खींच कर रखेगी और उसकी जघन्यता और भयंकरता का आभास दिखलावेगी, तथा दैवी किंवा अन्य मनुष्यों द्वारा पहुंचाई गई पीड़ा और क्लेश के सूक्ष्म से सूक्ष्म अंश को दिखाकर उसे दया दिखाने की शिक्षा देगी। कविता द्वारा ही उसके कर्मों को उसके समक्ष उपस्थित किया जा सकता है और तभी वह उचित मार्ग पर। प्रायः लोग कहा करते हैं कि कविता का अंतिम उद्देश्य मनोरंजन है, पर मेरी समझ में मनोरंजन अंतिम उद्देश्य नहीं है। ध्यान रखिएगा, इम्पोर्टेंट है, रामचंद्र शुक्ल जी कविता का अंतिम उद्देश्य मनोरंजन को नहीं मानते हैं। ये कूट में भी पूछा जा सकता है प्रश्न। कविता पढ़ते समय मनोरंजन अवश्य होता है, पर इसके सिवा कुछ और भी होता है। मनोरंजन करना कविता का प्रधान गुण है। इससे मनुष्य का चित्त एकाग्र हो जाता है, उधर इधर उधर जाने नहीं पाता। यही कारण है कि नीति और धर्म संबंधी उपदेश चित्त पर वैसा असर नहीं करते हैं जैसा किसी काव्य या उपन्यास से निकली हुई शिक्षा करती है। मतलब अगर किसी को उपदेश दिए जाए, उनको किसी तरह का उपदेश दिया जाए या नीति की बातें बताई जाए, तो मनुष्य पर उतना पर प्रभाव नहीं पड़ेगा जितना एक उपन्यास को पढ़ के या कविता को पढ़ के मनुष्य पर पड़ेगा। वो मनोरंजन प्रधान साधन तो जरूर मानते हैं, परंतु रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कविता का इसके सिवा भी कुछ उद्देश्य होता है। केवल यही कहकर कि परोपकार करो, सदैव सच बोलो, चोरी करना महापाप है, हम ये आशा कदापि नहीं कर सकते कि कोई उपकारी मनुष्य परोपकारी हो जाएगा, झूठा सच्चा हो जाएगा और चोरी करना छोड़ देगा। क्योंकि पहले तो मनुष्य का चित्त एक ऐसी शिक्षा ग्रहण करने के लिए उद्यत ही नहीं होता जो दूसरे मानव जीवन पर उसका कोई प्रभाव अंकित हुआ ना देखकर वह उसकी कुछ परवाह नहीं करता। मतलब मनुष्य का जो चित्त होता है वो ऐसी तरफ जल्दी से एकाग्र नहीं होता है जब तक उसने किसी दूसरे मानव के जीवन पर उसका कोई असर ना देखा हो। पर कविता अपनी मनोरंजक शक्ति के द्वारा पढ़ने या सुनने वाले का चित्त उचटने नहीं देती, उसके हृदय से अत्यंत कोमल स्थानों को स्पर्श करती है और सृष्टि में उक्त कर्म के स्थान और संबंध की सूचना देकर मानव जीवन पर उसके प्रभाव और परिणाम को विस्तृत रूप में अंकित करके दिखाती है।
है ना। जब हम कोई कविता पढ़ते हैं तो कविता क्या करती है, हमारे चित्त को उचटने नहीं देती है, अपने में लगा के रखती है, और जो भी कर्म है उसका इस सृष्टि में क्या स्थान है, उसका मनुष्य के जीवन पर क्या प्रभाव है, ये विस्तृत रूप में मनुष्य के सामने प्रस्तुत करती है। इंद्रासन खाली कराने का वचन देकर, हूर और गिलमा का लालच दिखाकर, यमराज का स्मरण दिखाकर और दोजख में जलती हुई आग की धमकी देकर हम बहुधा किसी मनुष्य को सदाचारी और कर्तव्य परायण नहीं बना सकते। मनुष्य को अगर हम दोजख में की आग में जलने की धमकी दें या यमराज का स्मरण दिलाएं, तो ऐसे हम किसी मनुष्य को सदाचारी नहीं बना सकते हैं, ना ही उसे कर्तव्य परायण बना सकते हैं। बात यह है कि इस तरह का लालच या धमकी ऐसी है जिसे मनुष्य परिचित नहीं है और जो इतनी दूर की है कि उसकी परवाह करना मानव की प्रकृति के विरुद्ध है, क्योंकि मानव तो बहुत दूर की चीज़ों को वैसे भी नहीं सोचता। सदाचार में एक अलौकिक सौंदर्य और माधुर्य होता है, अतः लोगों को सदाचार की ओर आकर्षित करने का प्राकृत उपाय यही है कि उसको सौंदर्य और माधुर्य दिखाकर लुभाया जाए, जिससे वे बिना आगा पीछा सोचे मोहित होकर उस ओर ढल पड़े। मन को हमारे आचार्यों ने 11वीं इंद्री माना है, उसका रंजन करना और उसको सुख पहुंचाना ही यदि कविता का धर्म माना जाए तो कविता केवल विलास की सामग्री हुई। मतलब हमारे मन को आचार्यों ने हमारी 11वीं इंद्री माना है, और सिर्फ उसको सुख पहुंचाने के लिए यदि कविता सिर्फ उसको सुख पहुंचाना कविता का धर्म मान लिया जाए तो कविता सिर्फ एक विलास की सामग्री बन जाएगी। परंतु क्या हम कह सकते हैं कि वाल्मीकि का आदि काव्य, तुलसीदास जी का रामचरितमानस या सूरदास जी का सूर सागर विलास की सामग्री है? यदि इन ग्रंथों से मनोरंजन होगा तो चरित्र संशोधन भी अवश्य ही होगा। खेद के साथ कहना पड़ता है कि हिंदी भाषा के अनेक कवियों ने श्रृंगार रस की उन्माद कारिणी उक्तियों से साहित्य को इतना भर दिया कि कविता भी विलास की एक सामग्री समझी जाने लगी। पीछे से तो ग्रामोपचार आदि के नुक्से भी कवि लोग तैयार करने लगे पीछे से तो सॉरी ग्रीष्मोपचार आदि के नुक्से भी कवि लोग तैयार करने लगे। ऐसे श्रृंगारिक कविता को कोई विलास की सामग्री कह बैठे तो उसका क्या दोष। सारांश यह है कि कविता का काम मनोरंजन ही नहीं, कुछ और भी है। उच्च आदर्श कविता के कविता मनुष्य के हृदय को उन्नत करती है और ऐसे ऐसे उत्कृष्ट और अलौकिक पदार्थों का परिचय कराती है जिनके द्वारा यह लोक, देवलोक और मनुष्य देवता हो सकता है, है ना। कविता की आवश्यकता, कविता इतनी प्रयोजनीय वस्तु है कि संसार की सभ्य और असभ्य सभी जातियों में पाई जाती है। चाहे इतिहास ना हो, विज्ञान ना हो, दर्शन ना हो, पर कविता अवश्य ही होगी। इसका क्या कारण है? बात यह है कि संसार के अनेक कृत्रिम व्यापारों में फंसे रहने से मनुष्य की मनुष्यता जाती रहने का डर रहता है। मतलब मनुष्य इतने कृत्रिम व्यापारों में फंसा हुआ है कि ये डर रहता है कि मनुष्य के अंदर से कहीं मानवता ही ना चली जाए। अतः मानुषी प्रकृति को जागृत रखने के लिए ईश्वर ने कविता रूपी औषधि बनाई है। कविता यही प्रयत्न करती है कि प्रकृति से मनुष्य की दृष्टि फिरने ना पावे। मनुष्यों को इनकी जरूरत, जानवरों को इनकी जरूरत नहीं। हमने किसी उपन्यास में पढ़ा है कि एक चिड़चिड़ा बनिया अपनी सुशीला और परम रूपवती पुत्र वधु को अकारण निकालने पर उद्वत हुआ। जब उसके पुत्र ने अपनी स्त्री की ओर से कुछ कहा तब चिढ़कर बोला, चल चल, भोली सूरत पर मरा जाता है।
हाँ, ये कैसा अमानुषिक बर्ताव है। सांसारिक बंधनों में फंसकर मनुष्य का हृदय कभी-कभी इतना कठोर और कुंठित हो जाता है कि उसकी चेतना और उसका मानव स्वभाव कम हो जाता है। ना उसे किसी का रूप माधुर्य देखकर उस पर उपकार करने की इच्छा होती है, ना उसे किसी दीन दुखी की पीड़ा देखकर करुणा आती है, ना उसे अपमान सूचक बात सुनकर क्रोध आती है। ऐसे लोगों से यदि किसी लोम हर्षक अत्याचार की बात कही जाए तो मनुष्य के स्वाभाविक धर्मानुसार वह क्रोध या घृणा प्रकट करने के स्थान पर रुखाई के साथ यही कहेंगे, जाने दो, हमें क्या मतलब, चलो अपना काम देखो। लेकिन याद रखिए, यह महाभयानक मानसिक रोग है जिससे मनुष्य जीते जी मृतवत हो जाता है। कविता इसी मर्ज की दवा है। यहाँ रामचंद्र शुक्ल जी बता रहे हैं कविता की आवश्यकता क्या है। वो ये कह रहे हैं कि मनुष्य इतने कृत्रिम व्यापारों में फंस गया है कि उसमें कहीं मनुष्यता ही ना चली जाए। तो उस मनुष्यता को जीवित रखने के लिए, उसके मनोवेगों को जागृत रखने के लिए, उसको प्रकृति से जोड़े रखने के लिए कविता की आवश्यकता है। सृष्टि सौंदर्य, कविता सृष्टि सौंदर्य का अनुभव कराती है और मनुष्य को सुंदर वस्तुओं में अनुरक्त रक्त करती है। जो कविता रमणी के रूप में माधुर्य से हमें आह्लादित करती है, वहीं उसके अंतःकरण की सुंदरता और कोमलता आदि की मनोहारिणी छाया दिखाकर मुग्धा भी करती है। जिस बंकिम की लेखनी ने गढ़ के ऊपर बैठी हुई राजकुमारी तिलोत्तमा के अंग प्रत्यंग की शोभा को अंकित किया, उसी ने आयशा के अंतःकरण की अपूर्व सत्यवकी ज्योति दिखाकर पाठकों को चमत्कृत भी किया। भौतिक सौंदर्य के अवलोकन से हमारी आत्मा को जिस प्रकार का संतोष होता है, उसी प्रकार मानसिक सौंदर्य से, जिस प्रकार वन पर्वत नदी झरने आदि हमें प्रफुल्लित से हम प्रफुल्लित होते हैं, उसी प्रकार मानवीय अंतःकरण में प्रेम दया करुणा भक्ति आदि मनोभावों के अनुभव से भी हम आनंदित होते हैं। और यदि इन दोनों पार्थिव और अपार्थिव सौंदर्य का कहीं संयोग दिख पड़े तो फिर क्या कहना। यदि किसी अत्यंत सुंदर पुरुष या अत्यंत रूपवती स्त्री के रूप मात्र का वर्णन हम करके छोड़ दें तो चित्र अपूर्ण होगा, किंतु यदि हम उसके साथ ही उसके हृदय की दृढ़ता और सत्यप्रियता अथवा कोमलता और स्नेहशीलता आदि की भी झलक दिखावें तो उस वर्णन में सजीवता आ जाएगी। महाकवियों ने प्रायः इन दोनों सौंदर्यों का मेल कराया है, जो अस्वाभाविक प्रतीत होता है, किंतु संसार में प्रायः देखा जाता है कि रूपवान जन सुशील और कोमल होते हैं और रूपहीन जन क्रूर और दुःशील। इसके सिवा मनुष्य के आंतरिक भावों के प्रतिबिंब भी चेहरे पर पड़कर उसे रुचिर या अरुचिर बना देते हैं। पार्थिव सौंदर्य का अनुभव करके हम मानसिक अर्थात अपार्थिव सौंदर्य की ओर आकर्षित होते हैं, अतएव पार्थिव सौंदर्य को दिखलाना कवि का प्रधान कर्म है। यहाँ पर रामचंद्र शुक्ल जी ये कह रहे हैं कि जो कविता होती है वो पार्थिव यानी ऊपरी और आंतरिक यानी मन के अंदर के यानी इंसान के रूप और गुण दोनों के सौंदर्य को सामने रखती है। सिर्फ एक रूप के सौंदर्य को देखकर ही कोई पूरी तरह से आकर्षित नहीं हो सकता है, तो हमारे जितने भी महाकाव्य या बड़ी बड़े काव्य लिखे गए हैं उसमें कवियों ने दोनों का एक संतुलन हमारे सामने प्रस्तुत किया है। साथ ही रामचंद्र शुक्ल जी ये कह रहे हैं कि प्रायः ये पाया जाता है कि जो अंदर से बाहर से रूपवान होता है, शांत होता है, अंदर से भी वो उतना ही कोमल होता है, क्योंकि जो उसके मनोभावों की छाया है वो उसके चेहरे पर दिखाई देती है। जो लोग स्वार्थवश व्यर्थ की प्रशंसा और खुदाम खुशामत करके
आप वाणी का दुरुपयोग करते हैं, वे सरस्वती का गला घोटते हैं। ऐसी तुच्छ वृत्ति वालों को कविता ना करनी चाहिए। कवि कविता उच्च आशय, उदार और निस्वार्थ हृदय की उपज है। सत्कवि मनुष्य मात्र के हृदय में सौंदर्य का प्रवाह बहाने वाले हैं। उनकी दृष्टि में राजा और रंग सब समान है। वह उन्हें मनुष्य के सिवा कुछ भी नहीं समझता। जिस प्रकार महल में रहने वाले बादशाह के वास्तविक सद्गुणों की वह प्रशंसा करता है, उसी प्रकार झोपड़े में रहने वाले किसान के सद्गुणों की भी। श्रीमानों के शुभागमन की कविता लिखना और बात बात पर उन्हें बधाई देना कवि का सत्कवि का काम नहीं। हाँ, जिसने निस्वार्थ होकर कष्ट सहकर देश और समाज की सेवा की है, दूसरों के हित साधना की है, धर्म का पालन किया है, ऐसे परोपकारी महात्मा का गुणगान करना उसका कर्तव्य है। यहाँ पे रामचंद्र शुक्ल जी बता रहे हैं कि किस प्रकार कविता का दुरुपयोग हो सकता है। यदि कविता का प्रयोग किसी की झूठी प्रशंसा और खुशामत के लिए किया जाए, तो ये वास्तविकता में सरस्वती माँ के गला घोटने के समान है। ये सत्कवि के कर्म नहीं है। सत्कवि तो राजा और रंग को समान समझते हैं, और जो लोग निस्वार्थ होकर देश या समाज के लिए कुछ करते हैं, उनके गुणगान करते हैं। कविता की भाषा। मनुष्य स्वभाव से ही प्राचीन पुरुषों और वस्तुओं को श्रद्धा की दृष्टि से देखता है। पुराने शब्द हम लोगों को मालूम ही रहते हैं, इससे कविता में भी कुछ ना कुछ पुराने शब्द आ ही जाते हैं। उनका थोड़ा बहुत बने रहना अच्छा भी है। वे आधुनिक और पुरातन कविता के बीच संबंध सूत्र का काम करते हैं। हिंदी में राजते हैं, कहते हैं, लहते हैं, सरसाते हैं आदि प्रयोगों का खड़ी बोली तक कविता में बना रहना कोई अचंभे की बात नहीं। अंग्रेजी कविता में भी ऐसे शब्दों का अभाव नहीं है जिनका व्यवहार पुराने जमाने की कविता में होता रहा। मेन, स्वयं आदि ऐसे ही शब्द हैं। कवि अंग्रेजी कविता समझने के लिए इनसे परिचित होना पड़ता है, पर ऐसे शब्द बहुत थोड़े आने चाहिए। वे भी ये ऐसे शब्द जो भद्दे और गमारू ना हों। खड़ी बोली में संयुक्त क्रियाएं बहुत लंबी होती हैं, जैसे लाभ कराते हैं, प्रकाश लाभ करते हैं, प्रकाश करते हैं आदि। कविता में इनके स्थान पर लहते हैं, प्रकाशते हैं कर देना कोई हानि नहीं, पर यह बात इस तरह के सभी शब्दों के लिए ठीक नहीं हो सकती। यहाँ पर रामचंद्र शुक्ल जी बता रहे हैं कि कविता में किस तरह के शब्दों का प्रयोग किया जा सकता है। कुछ पुराने शब्दों को रखा जा सकता है, परंतु अधिकता नहीं होनी चाहिए, और थोड़ी बहुत शब्दों में परिवर्तन कविता के हिसाब से किया जा सकता है। कविता में कही गई बात हृदय पटल पर अधिक स्थायी होती है, अतः कविता में प्रत्यक्ष और स्वभाव सिद्ध व्यापार सूचक शब्दों की संख्या अधिक रहती है। समय बीतता जाता है कहने की अपेक्षा समय भागा जाता है कहना अधिक काव्य सम्मत है। किसी काम से हाथ खींचना, किसी का रुपया खा जाना, कोई बात पी जाना, दिन ढलना डूबना, मन मारना, मन छूना, शोभा बरसाना आदि ऐसे ही कवि समय सिद्ध वाक्य हैं जो बोलचाल में आ गए हैं। मतलब ये काव्य सिद्ध वाक्य हैं, कविताओं में प्रयोग हुए हैं, बाद में ये बोलचाल में आ गए। नीचे कुछ पद उदाहरण स्वरूप दिए गए हैं। धन्य भूमि वन पंथ पहारा, जह जह नाथ पाँव तुम धारा। ये तुलसीदास जी का है। मनह उमंगई इंग इंग छवि छलके, ये तुलसीदास जी की गीतावली से लिया गया है। चूनर चारु चुई सी परे चटकीली हरि अंगिया ललचावे। वीथिन में वज्र में नवेलिन में बेलिन में बनन में बागन में बगरो बसंत। पद्माकर जी की पंक्तियां हैं। रंग रंग रागन पे संग ही परागन पे वृंदावन बागन पे बसत बसरो परे। ये आप थोड़ा सा इन पंक्तियों को याद रखिएगा, कभी अगर आयो के मूड में आ गया तो वो पूछ सकता है कि कौन कौन सी पंक्तियां या किस किस कवि को कविता क्या है, कविता में रामचंद्र शुक्ल जी ने
किस किस कविता का या कवि का वो प्रयोग किया है। बहुत से ऐसे शब्द हैं जिनके एक ही नहीं अपितु कई किंतु कई क्रियाओं का एक साथ ही बोध होता है। ऐसे शब्दों को हम जटिल शब्द कह सकते हैं। ऐसे शब्द वैज्ञानिक विषयों में अधिक होते हैं, जिनमें कुछ शब्द तो एक विलक्षण ही अर्थ देते हैं और पारिभाषिक शब्द कहलाते हैं। विज्ञान वेत्ता को किसी बात की सत्यता या असत्यता का निर्णय की जल्दी रहती है। इससे वे कई बातों को एक मानकर अपना काम चलाता है, प्रत्येक काम को पृथक पृथक दृष्टि से नहीं देखता। यही कारण है कि जो शब्द तक ऐसे शब्द अधिक व्यवहार करता है जिनमें कई क्रियाओं से घटित एक ही भाव निकलता है, परंतु कविता प्राकृतिक व्यापारों को कल्पना द्वारा प्रत्यक्ष कराती है, मानव हृदय पर अंकित करती है। अतः पूर्वोक्त प्रकार के शब्द अधिक लाने से कविता के प्रसाद गुण की हानि होती है। बहुत ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि यहाँ से कूट बहुत ज़्यादा पूछे जा सकते हैं। और व्यक्त किए गए भाव हृदय पर अच्छी तरह से अंकित नहीं होते। बात यह है कि मानवीय कल्पना इतनी प्रशस्त नहीं है कि एक या दो बार में कई व्यापार उसके द्वारा हृदय पर स्पष्ट रीति से खचित हो सकें। यदि कोई ऐसा शब्द प्रयोग में लाया जाए जो कई संयुक्त व्यापारों का बोधक हो, तो संभव है कि कल्पना की शक्ति किसी एक व्यापार को ना ग्रहण कर सके, अथवा तदनंतरगत कोई ऐसा व्यापार प्रकट करे जो मानवीय प्रवृत्ति का उद्दीपक ना हो। तात्पर्य यह है कि पारिभाषिक शब्दों का प्रयोग तथा ऐसे शब्दों का समावेश जो कई संयुक्त व्यापारों को सूचना देते हैं कविता में वांछित नहीं है। रामचंद्र शुक्ल जी कह रहे हैं कि जो शब्द वैज्ञानिकों द्वारा प्रयोग अधिक किए जाते हैं, जिनके कई एक साथ जिनसे कई व्यापारों की सूचना मिलती है, क्योंकि व्यापारों का वैज्ञानिकों का जो लक्ष्य होता है वही सत्य सिद्धि होता है। उन्हें बहुत जल्दी रहती है सत्यता और असत्यता तक पहुँचने पर कवियों के साथ ऐसा नहीं है, तो उन्हें इस तरह के शब्दों से बचना चाहिए। किसी ने फौजदारी नामक एक श्रृंगार रस विशिष्ट एक छोटी सी कविता अदालती कार्रवाइयों पर घटा कर लिखी है और उसे एक तरफा डिग्री आदि कानूनी शब्दों से भर दिया है। यह उचित नहीं। कविता के उद्देश्य इसके विपरीत व्यवहार से सिद्ध होते हैं। जब कोई कवि किसी दार्शनिक सिद्धांत को अधिक प्रभावोत्पादक बनाकर उसे लोगों के चित्त पर अंकित करना चाहता है, तब वे जटिल और पारिभाषिक शब्दों को निकालकर उसे अधिक प्रत्यक्ष और मर्मस्पर्शी रूप देता है। भर्तृहरि और गोस्वामी तुलसीदास आदि इस बात में बहुत निपुण थे। भर्तृहरि का एक श्लोक देखिए, त्रसा सुष्याप्यासे पिबति सलिलम स्वाद सुरभि क्षुधार्ता संचालिन कबलयति साख दिवलितान प्रदीप्ते रागाग्रो सुदृढ़तर माशिल्प्यति वधु प्रतीकारो व्याधौ सुखमिति विपर्श्यति जन। भाव अर्थ ये है कि प्यासे होने पर स्वादिष्ट और सुगंधित जलपान, भूखे होने पर साकादि के साथ चावलों का भोजन और हृदय में अनुरागाग्नि के प्रज्वलित होने पर प्रियतमा का आलिंगन करने वाले मनुष्य विलक्षण मूर्ख हैं, क्योंकि प्यास आदि व्याधियों की शांति के लिए जलपान आदि प्रतिराकों को ही वे सुख समझते हैं। वे ये नहीं जानते कि इनका उपचार बिल्कुल ही उल्टा है। देखिए यहाँ पर किसी कवि ने कैसी विलक्षण उक्ति द्वारा मनुष्य के सुख दुख विषयक बुद्धि की भ्रामकता दिखाई है।
अंग्रेजी में पोप कभी भी इस विषय में बहुत सिद्ध हस्त थे। उनका नीचे उनका एक साधारण सिद्धांत लिखा जाता है। भविष्य में क्या होने वाला है इस बात की अनिभिज्ञता इसलिए दी गई है जिसमें सब लोग आने वाले अनिष्ट की शंका से उस पर उस अनिष्ट घटना से पूर्वोत्तर दिनों के सुख को भी ना खो बैठे। मतलब वो ये कह रहे हैं कि मनुष्य को इतनी क्षमता इसलिए नहीं ईश्वर ने दी भविष्य देखने की कि कहीं वो आगे आने वाली घटनाओं से आज जो सुख से प्राप्त है उसको भी न नष्ट कर ले। इस बात को पोप कवि इस तरह कहते हैं। अ लैंथ्रियोट डूम्स टू ब्लीड टुडे, हैड ही दे रीजन वुड ही स्किप एंड प्ले, प्लीज टू द लास्ट ही क्रॉप्स एंड फ्लोरी फुड एंड लिक्स द हैंड जस्ट राइज्ड एंड सेट हिज ब्लड, द ब्लाइंडनेस टू द फ्यूचर काइंडली गिवन। किससे लिया गया ये? एसे ऑन मैन पे से। भावार्थ ये है कि उस भेड़ के बच्चे को जिसका तू आज तक रक्त बहाना चाहता है, यदि तेरा ही सा ज्ञान होता तो क्या वह उछलता कूदता फिरता? अंत तक वह आनंद पूर्वक चारा खाता है और उस हाथ को चाटता है जो उसका रक्त बहाने के लिए उठाया गया है। भविष्य का अज्ञान हमें ईश्वर की बड़ी कृपा करके दिया गया है। बहुत अच्छी बात कही है यहाँ पर। अनिष्ट शब्द बहुत व्यापक और संदिग्ध है, अतः कवि की मृत्यु ही सबसे अधिक अनिष्ट वस्तु अतः कवि मृत्यु ही को सबसे अधिक अनिष्ट वस्तु समझता। मृत्यु की आशंका से प्राणी मात्र का विचलित होना स्वाभाविक है। कवि दिखलाता है कि परम अज्ञानी पशु भी मृत्यु सिर पर नाचते रहने पर भी सुखी रहता है, यहाँ तक कि वह प्रहारकर्ता के भी हाथ को चाटता है। ये एक अद्भुत और मर्मस्पर्शी दृश्य पूर्वोक्त सिद्धांत को यहाँ तक काव्य का रूप प्राप्त हुआ है। एक और साधारण सा उदाहरण लीजिए। तुमने उससे विवाह किया, यह एक बहुत ही साधारण वाक्य है, पर तुमने उसका हाथ पकड़ा, यह एक विशेष अर्थ गर्भित और काव्योचित वाक्य है। विवाह के अंतर्गत बहुत से विधान हैं जिन पर कोई एक दफे दृष्टि नहीं डाल सकता, अतः उससे कोई बात स्पष्ट रूप से कल्पना में नहीं आती। इस कारण उन विधानों में सबसे प्रधान और स्वाभाविक बात जो है हाथ पकड़ना है, उसे चुनकर कवि अपने अर्थ को मनुष्य के हृदय पटल पर रेखांकित करता है। दोस्तों अब वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो इसके आगे की जो निबंध है वो मैं इसका सेकंड पार्ट बनाकर आपको बता दूंगी। कैसा लगा है ये बता दीजिएगा। अगर अच्छा लगा होगा तो मैं सेकंड पार्ट जल्दी ही आपके लिए लेकर आ जाऊंगी, और नहीं तो कोई बात नहीं। आपका साथ बनाए रखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।